करो, बैंड इंग्लिश को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, बैंड इंग्लिश को रिलीज करो। जाएंगे जाएंगे कश्मीर वापस जाएंगे, जाएंगे जाएंगे कश्मीर वापस जाएंगे, बैंड इंग्लिश को रिलीज करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मेरा नाम भारती कोल है। मैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नर साहब से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो अभी रिसेंटली 2000 पोस्ट जो रिक्रूट की हैं और जो हम 2010 के कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो 2017 में 198 कैंडिडेट्स जो रिक्रूट हुए थे, हम उन्हीं में से लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स हैं और सभी कैंडिडेट्स जो हैं ओवर एज हो गए हैं, 40 प्लस हो गए हैं सब। अब वो ना फॉर्म भर सकते हैं ना वो आगे कोई जॉब उनको लग सकती है और हम सिर्फ टोटल 45 कैंडिडेट्स हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये 2000 पोस्टस जो निकली हैं हमें इन्हीं में से एडजस्ट करके आगे, पहले हमें एडजस्ट करें उसके बाद जो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट वो बाद में वो हो सकता है, क्योंकि आगे तो हम अब कुछ फॉर्म भर नहीं सकते ना ही अब हमें आगे कोई फ्यूचर है हमारा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पहले 45 कैंडिडेट्स को एडजस्ट कर लो, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कर ले बस, और मुझे और कुछ नहीं करना। कोर्ट ऑर्डर भी हमारे पास है। मेरा नाम अश्विनी मंटू है। मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ, जो दो रिसेंटली गवर्नर महोदय ने ये 2000 पोस्टिंग निकाली, कि हम ये हमारा प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि जब तक हम 45 कैंडिडेट लेफ्ट आवर LOC लेफ्ट आवर कैंडिडेट को एडजस्ट नहीं किया जाता, तब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। और हम ऐसे कैंडिडेट हैं, 198 का लिस्ट इन्होंने 2017 में निकाला था, हम उन्हीं में से कैंडिडेट हैं लेफ्ट आवर कैंडिडेट, टोटल 45 कैंडिडेट्स हमारे। और ये ऐसा इन्होंने कैसे ये लिस्ट निकाला, क्या किया, हमारे पास भी कोर्ट ऑर्डर थे, हमारे पास सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लेटर मंगवाई कि हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं सारे एडजस्ट के, ये पता नहीं चला कहां से दांदली हुई क्या हुआ कि उनका लिस्ट निकाल दिया। अब ये जान के हैरान होगी, 6 पॉइंट वाला इनके, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, उनका लिस्ट नाम है, उनके लिस्ट में नाम है। और डिमांड करते हैं, अब डिमांड यही है कि हमारी 45 कैंडिडेट हैं और 45 कैंडिडेट का लिस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक ये नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए।